टोटे टोटे हो गए, दिल टोटे टोटे हो गया. ऑफ कोर्स टोटे चाहिए. फैंस का क्या है, जो जीतते हैं उसके बाद वो वहाँ पे मैसेज छाप देते हैं कि ये बायस्ड है, ये है, वो है. तो ये आसिम को मुझे लगता है कि शायद वो वहाँ लैग करके जहाँ पे वो सिर्फ लड़ता 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 ही था, उसमें और वेरिएशन में देखने को नहीं मिले. तो उसके बाद सिर्फ वही था, और सिद्धार्थ के बाद बहुत कुछ था. प्रोडक्शन हाउस में कोई भी क्रिएटिव कभी भी वो बायस नहीं होती, या उनका कोई फेवरेट नहीं होता. क्रिएटिव्स आर ओनली फॉर द शोज. पांचवी पसंद है, तभी तो पांचवी पसंद है. अब उनका नेचर जाना है, लुक वाइज तो मैंने टोटे ही सारी. मोस्ट फेक कंटेस्टेंट इन बिग बॉस आसिम. मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट आसिम. ये नए वाले जूते हैं मेरे. सेम उतने के आए हैं अब. ये वाले मुझे पता नहीं कितने के आए हैं. ये मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझको भेजे थे, पर जो मैंने किए थे वो मुझे पता कितने के थे, क्योंकि वो मेरे. तो कितने के बता दो यार. बताओ पर आप बता दो कितने के. देखो सीन आ गया मुझे. सीधा आ गया. याद क्यों दिलाया मुझे. पर जो सपना देखा था कि बिग बॉस करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि ऐसा कुछ हो. तो ये बिग बॉस सबसे ज्यादा हिट गया, और आई एम रियली ग्लैड कि अब बिग बॉस 13 का मैं हिस्सा रहा हूँ, और लोगों को काफ़ी पसंद आया हूँ. एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी निकल के आई है, और बाहर भी लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और साथ में पैसे भी लेके आया हूँ, दूसरा शो भी लेके आया हूँ. तो मुझे लगता है कि मुझ इस बिग बॉस 13 में मुझसे लकीस्ट कोई था ही नहीं. शो, पैसे, फेम, एवरीथिंग. मतलब क्या सुपरस्टार बना दिया. और ये सीजन यार, जो 13 सीजन है ना, उनमें से अभी तक मैं शर्ट लगाता हूँ. आप 13 के 13 देख लो यार. ये जो सीजन जो कॉम्बिनेशन बना था ना आप लोगों का, पर क्या कॉम्बिनेशन था. सीरियसली क्या कहना चाहोगे यार. अभी अभी उस ट्रॉमा से बाहर आए हो. मैं अभी तक उसी ट्रॉमा में ही हूँ, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं. मैं बाहर लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम कभी भी किसी से बात करते ना बिग बॉस घर में, तो मैं लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी तो चल रही है. देखते हैं लोग जब जहाँ हाँ बोल के हम टाल देते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि हमको बताने की हुआ कहता है. तो अभी मैं उसी मोड में चला जाता हूँ वहाँ पे, जब उसे मीडिया वाले पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या था, कैसे था, तो वैसे ही जवाब देता हूँ. तो नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा. हो रहा है. एंड जब बेसिकली जब आप बाहर आए, फर्स्ट चीज़ क्या किया आपने बाहर आते ही? भैया जेल से बाहर आ चुके, और पहली चीज़ क्या की? मोबाइल उठाया, खाया पिया, या क्या किया अपने दोस्त? भाई बता दूँ, थोड़ा कैमरा लेफ्ट में घुमा दो. परी के फ्रेंड भी बैठे हैं यहाँ पर, परी इंट्रोड्यूस कर दो उनको भी. ये है हमारे निखिल भाई, जो कि बिल्कुल अमेजिंग. मतलब ऐसा कटप्पा मुझे मिल गया साथ में, तो मैं बाहुबली लगता हूँ ना, कि कटप्पा साथ में बाहुबली है. तो फीस लाइक बाहुबली. वेरी गुड, थैंक यू भाई. तो बाहर आते ही मैं इनसे मिला, भाई से, और ये मेरा फोन वोन लेके आए थे. पहला फोन किसको? फोन किया नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो किसी को फोन करने की जरूरत पड़ी नहीं. भाई हैं, मम्मी है, और कौन है, और कोई चाहिए नहीं मुझे. तो बैग पैक किए, सीधा घर गए, सोए, नेक्स्ट डे सुबह वापस. मतलब दूसरा शो शुरू हो चुका है वही ना, जो की सबसे चंगी गल है, जहाँ पे कुड़िया ही टोटे हो गया. और ऐसे टोटे चाहिए जो कि प्यार करे. अच्छा, बिग बॉस की कौन सी याद है कि बाहर आने के बाद, या अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, या भाई के साथ जब जाते हो, कि यार मैं ये चीज मिस करता हूँ बिग बॉस की? बिग बॉस की मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक अपनी मसला मिस करता हूँ, क्योंकि मसला के साथ रहने की मेरी आदत हो गई थी. चार महीने उसी के साथ रहा, उसी से ही बातें करी. कुछ अगर हुआ है तो उसी से बात करी, कुछ लड़ाई हुआ तो उसी से ही हुआ. बनाया बहुत बढ़िया आपने. मतलब मैं ये देख रहा था कि मतलब जब देखते थे हमेशा रूठना, और हमेशा आपने बनाना भाजी. तो एक बड़ी अटैचमेंट हो चुकी थी आपकी, राइट? तो वो अच्छा लगता है. तो उसका नाराज होना भी, वो थोड़ा ही नाराज होना होता था. ज्यादा देर तक नहीं कर पाती थी वो, और मैं भी ज्यादा देर तक वो झेल नहीं पाता था. बस कर ठीक है, मनाता हूँ. तो वो मुझे लगता है कि वो बिग बॉस में मेरी पेशेंस लेवल अलग तरीके से यूज नहीं हुई, ऐसे ही यूज हो गई. और मुझे लगता है ऐसे यूज होना
ज्यादा बड़ी है ऐसे ऐसे क्योंकि ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़की को मना के रखना. बाकी चीज तो चलो लड़की नहीं मानती तरीके से कम मेरी इसमें ये प्रैक्टिस तो हो गई. सो ऐसे की बात चल रही है. तो बिग बॉस फाइनली आपने तो फटाफट ग्रैब किया 10 लाख चलो उठाऊ और बाहर आ जाओ फटाफट. राइट मतलब बिग बॉस ने निकाला नहीं इनको और ये अपनी मर्जी से आए. पहले कंटेस्टेंट हो गए सीजन 13 के जो अपनी मर्जी से आए. बिग बॉस ने विक्ट नहीं किया. विक्ट भी नहीं किया उन्होंने. सलमान सर का एक बार भी ये नहीं हुआ कि पारस आप इस घर से निष्कासित होते हैं. नहीं हुआ. नहीं हुआ. फीलिंग प्राउड राइट. फीलिंग प्राउड वो चीज नहीं सुनी जिसका डर था. पर आपने बाहर आने के बाद बहुत चीजें सुनी होगी यार. मैं अगर खुद बोलूं तो इस साल का जो सीजन था मेरे को मालूम था कोई भी जीतेगा उसके बाद कंट्रोवर्सीज होनी ही होनी है. क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कलर टीम ने कैसे हैंडल किया होगा. अगर आसिम जीत जाता तो बोलते यार सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बोलते कि हाँ भाई आसिम ने कंट्रोवर्सी की है. तो उस कंट्रोवर्सी और उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के मतलब आप चार धुरंधर आप शहनाज आसिम और सिद्धार्थ आप चारों में से कोई भी जीतता बैकफायर होना था. वही है ना फैंस अब इतने बन चुके हैं. मुझे लगता है कि जो सिद्धार्थ के फैन है उसमें से आधे आसिम के भी हैं. आसिम के फैन है उसमें आधे सिद्धार्थ के भी हैं आधे मेरे भी. मतलब डिवाइडेड है इतने सारे. तो सबको मिक्स फीलिंग है. जैसे हमको भी मिक्स फीलिंग है. हमें होता है कि यार कोई जीत जाए हमें फर्क नहीं पड़ता बाहर निकालो है ना. तो मुझे था कि अब जीत वीत कुछ नहीं छोड़ भाई शो तेरे पास है पैसे ले और निकल इज्जत से. तो वो हो जाता है. बाकी फैंस का क्या है जो जीतते हैं उसके बाद वो वहाँ पे मैसेज छाप देते हैं कि ये बायस्ड हैं ये है वो है. कलर्स वाले उसको कहाँ तक करेंगे. जब तक सर आपको जनता वोट नहीं करेगी तब तक आप जीत नहीं सकते. और सिद्धार्थ का हमने पूरे शो में बहुत टाइप में उसके हमने वेरिएशन देखे हैं. तो उसने हर टाइप के वेरिएशन दिए. आसिम को मुझे लगता है कि शायद वो वहाँ लैग करके जहाँ पे वो सिर्फ लड़ता ही था उसने और वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिले. तो उसके पास सिर्फ वही था और सिद्धार्थ के पास बहुत कुछ था. तो डेफिनेटली उसी का जीतना बनता था. उन्हीं का बनता था. अच्छा कंट्रोवर्सी ऐसी भी हुई कि कुछ आई थिंक ट्विटर में कोई अपने आप को क्लेम किया किसी ने कि मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट में से हूँ. तो अच्छा फरिया समथिंग पाजी को भी मालूम होगा बाहर ट्विटर में किसी ने लड़की ने बोला कि मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट हूँ आसिम नहीं जीत रहा इसलिए मैं छोड़ दूँगा शो. ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा तो देखिए कोई भी प्रोडक्शन हाउस में कोई भी क्रिएटिव कभी भी वो बायस नहीं होती या उनका कोई फेवरेट नहीं होता. क्रिएटिव्स आर ओनली फॉर द शोज. मतलब मैं भी क्रिएटिव बनना चाहता हूँ. मैं भी अगर कल को चाहूंगा कि मेरा शो बने तो वो अच्छा बने. मुझे नहीं चाहिए कि मेरा फेवरेट कौन है. मुझे मेरे फेवरेट से मतलब नहीं है. मेरा शो अच्छा बनना चाहिए. और अगर मेरा शो अच्छा बन रहा है कुछ चीज़ों से मुझे नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता वो हार रहे हैं वो जीत रहे हैं. तो ये बहुत ही बेकार की बात है कि मैं क्रिएटिव हूँ शो की आसिम नहीं जीत रहा तो मैं निकल रही हूँ. किसी ने बोला था आपके जो रूम होता है आपका पीसीआर रूम उसमें किसी ने बोला दोनों को इक्वल वोट मिले. अच्छा आसिम और सिद्धार्थ ऐसा नॉलेज है आपकी? नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है. क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली हमको पहले पता चलता क्योंकि हम तो अंदर ही थे. प्रोडक्शन हमारे आस पास ही है. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझे नहीं लगता. ये तो लोगों ने बाहर बातें बना दी हैं और मुझे नहीं लगता कि जो भी अगर जैसे कि जहाँ पे वोटिंग के रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे कभी भी फोन्स या फिर ऐसी चीजें अलाउड होती ही नहीं. अलाउड नहीं. फेक ही है सारा सारा. फेक है डेफिनेटली. फेक है फेक है फेक. बिग बॉस इतना भाई भी आ गया. भाई भाई की शक्ल दिखा दो. अच्छा जाना भाई को. हाँ देखो भाई एक बार इंटरव्यू आपका. बात करें कि अब जो नया आपका शो शुरू हुआ है तो शादी करने आप उतर चुके नए शो में और उस शो में सबसे पहले शहनाज आपके साथ है. शहनाज मेरे साथ है ये सबसे अच्छी बात है कि वो अपनी मस्ती करती रहेगी मुझे पकाएगी नहीं. पकाएगी भी तो चलो अपने पास 5 लड़कियां और हैं तो मैं थोड़ा मॉडरेट. कोई पसंद आई लड़की 5 में से? 5 ही पसंद है. तभी तो 5 ही पसंद है. 5 ही पसंद है. अब उनका नेचर जाना है. लुक वाइज तो मेरा टोटल ही है सारी. अच्छा शहनाज के लिए सबसे सूटेबल लड़का कौन था उन 5 में से? 5 ही है. 5 ही है. 5 मतलब आपके भी 5 उनके भी 5. हम 5 हम 5 सूटेबल. वो बाद में पता चलेगा कि किन की मेंटल लेवल मैच कर रहा है उनसे उनके से. तो पूरा शो उसी पे डिपेंड करता है. उस पे फिलहाल कुछ कुछ मस्ती भी करने वाले हो. बहुत बहुत बहुत. तो एक बार फिर से 3 महीने के लिए घर पे जाने वाले. लास्ट 2 मिनट्स और एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है. मोस्ट फेक कंटेस्टेंट इन बिग बॉस? आसिम. मोस्ट डायनामिक कंटेस्टेंट विद गुड स्पिरिट? मैं. पर्सनैलिटी? मैं. मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट? आसिम. मोस्ट लवेबल? मायरा. लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप फ्रॉम बिग बॉस? मायरा. सिद्धार्थ और मायरा? मायरा. अरे बाप रे. बेस्ट थिंग ऑफ शहनाज? फनी. फनी. वर्स्ट थिंग ऑफ शहनाज? फनी. वन टेक फ्रॉम बिग बॉस? बिग बॉस चाहते हैं. हाँ मतलब ये सुनते हैं मजा आता है. मजा आता है. बेस्ट गर्ल फॉर यू इन मुझसे शादी करोगी? अभी तक कोई मेरी यहाँ चूज करनी है अभी.
बेस्ट गर्ल वहाँ पे उसी घर में ना एक दीदी है भूतनी भूतनी जो आपने देखा होगा एक बार इंटरव्यू में वो विशाल को भूत चिपट गया था तो उसको उसने एक उसको ऐसे फील होता है कोई दीदी 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 वो है बेस्ट. अच्छा एक पंजाब की भी दिल्ली की लड़की आई है जो पंजाबी बोल रही थी मैं शहनाज की फेक शहनाज हूँ उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में मैं कुछ अभी बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो फेक कर रही है रियल कर रही है अभी तो मैं उसको इतना जाना ही नहीं क्योंकि अभी बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ मेरा उनसे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलूँ और जाके जानूँ उन लोगों को उसके बाद जाके बता पाऊंगा मैं कि कौन कितना फेक है कौन कितना कौन फेक है. एनीवेज तो 3 महीने पूरा घर पे रह गए पैक्ड तो यार ये 6 महीने की जर्नी मतलब अपने अपनी उम्र के 6 महीने इन्होंने बस एक जर्नी दी 7 मंथ्स. चलो मुबारक है भाई आपको गुड लक एंड ही इज फेमस नाउ एंड सुपर फेमस. शूज आ गए आपके वापस? ये नए शूज हैं ये नए वाले जूते हैं मेरे सेम उतने के आए अब ये वाले मुझे पता नहीं कितने के आए ये मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझको भेजे थे और जो मैंने किए थे वो मुझे पता कितने के थे क्योंकि वो मेरे कितने के बता दो यार बताओ कितने के छोड़ो रहे यार पाजी पता कर रहे नहीं पाजी बताओ ना इन्होंने बहुत मेहनत से बहुत 2 लाख पौने दो लाख अरे अरे पाजी देखो पसीना आ गया मुझे सीधा आ गया याद क्यों दिलाया मुझे पौने दो लाख के जूते. चलो जी बाय बाय कर देते हैं पाजी जाते थे क्या कहेंगे अपना बुजुर्ग वर्ल्ड की ऑडियंस को जी थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इतना सपोर्ट किया इतना प्यार दिया वोट किया और अगर हेट भी किया ट्रॉल भी किया तो इट्स ओके कीप डूइंग दैट because that makes me famous. Thank you, love you. चलो बाय बाय पाजी. ये कितने का पाजी ये बता दो. ये स्टाइलिस्ट ने भेजा स्टाइलिस्ट. हमारे मनीष भाई इतना अच्छा इंटरव्यू करते हैं कि हम क्या बताएं दिल गार्डन गार्डन हो गया. आप बजूका पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए YouTube पे जाके.